हाय गाइज, मैं नवाज जुल्फी स्मार्ट सर्विसेज से आज एक बेहतरीन वीडियो लाया हूं जो फर्स्ट टाइम यूट्यूब में आपको कोई दिखा रहा है। गाइज पूरी वीडियो देखना बिना स्किप किए, आप जान जाए। गाइज आज की वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत ही यूनिक प्रॉब्लम था जो बहुत सारे टेक्नीशियन पकड़ ही नहीं पाएंगे। इस वीडियो की हेल्प से वो सब जन ये प्रॉब्लम को सीख जाएंगे। स्पेशली LG वॉशिंग मशीन बहुत ही ज़्यादा सर्विस के लिए आती है। अगर आप कस्टमर है तो कस्टमर बन के भी देखिए, क्योंकि आपके मशीन में भी ये सेम इशू आ सकता है जो आपका पैसा बहुत सारा बचा सकता है। क्योंकि इस वॉशिंग मशीन में जैसे कि आप देख पा रहे हैं, पानी ले रहा है, पानी नहीं जा रहा है, पानी भी फिल हो रहा है, मगर प्रॉब्लम बहुत ही यूनिक है। पानी भरता है, बिना एरर आता है, कुछ भी नहीं होता। कस्टमर ने ऑलमोस्ट 5 से 6 हज़ार खर्च कर दिया मगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ इसका। तो गाइस इस वीडियो में हम पूरा खुलासा करेंगे, प्लीज पूरी वीडियो देखना और शेयर करना गाइस। तो जैसे कि मैंने बोला, बहुत ही यूनिक प्रॉब्लम है ये। पानी में वाटर पूरा फिल हो रहा है मगर कट ऑफ नहीं हो रहा है। जैसे एक मिनट के बाद में वो कट ऑफ हो गया, मशीन रन हुआ। जैसे मैंने प्रेशर सेंसर का पाइप भी चेक किया, कुछ प्रॉब्लम नहीं था, पानी कट हो गया। मगर थोड़ी देर के बाद वापस देखा तो वापस पानी चालू हो गया। तो एरर ना आ रहा है, ना एरर आ रहा है, ना वाटर स्टॉप हो रहा है, पानी हद से ज़्यादा भर रहा है ड्रम में। तो बहुत ही यूनिक प्रॉब्लम था। मशीन जैसे कि अपने आप से समथिंग कर रहा था। हमने ड्रेन मोटर, प्रेशर सेंसर का पाइप, प्रेशर सेंसर और मोटर सभी पार्ट्स चेक कर लिए, सभी ठीक था, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था। गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए एक एक बार कट ऑफ हो रहा है, एक एक बार कट ऑफ नहीं हो रहा है, सडन से पानी ले रहा है। तो चलिए गाइस मैं आपको बहुत ही बेहतरीन से बेहतरीन ये आइडिया दिखाऊँगा जो आप फेस करेंगे। और कोई भी टेक्नीशियन को बुलाने से पहले ये वीडियो ज़रूर देखिए, आपका बहुत पैसा बचेगा इस वीडियो में। क्योंकि बहुत जन को ये प्रॉब्लम आ सकती है और बहुत जन को पता ही नहीं कि क्या प्रॉब्लम होता है गाइस। तो सबसे पहले देख सकते हैं आप, बहुत ही ज़्यादा देखिए पानी वापस लेना शुरू हो गया। तो हमने सब्र ना करके पूरा पानी ड्रेन करके हमने मशीन को खोल दिया। सबसे पहले एक बात का ध्यान रखिए, ड्रेन कभी भी क्लीन करना है। आप शॉक हो जाएंगे गाइस, एयर डूम की वजह से ये प्रॉब्लम हुआ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, छोटा पाइप को एयर डूम बोलते हैं गाइस। अगर ये ब्लॉकेज होगा और सेंसर उधर सिग्नल नहीं देगा तो ये बहुत बड़ी यूनिक प्रॉब्लम है। तो आप देख सकते हैं हम कैसे करेंगे। ऑलमोस्ट इसके ऊपर बहुत सारा पैसा डाल दिया मगर टेक्नीशियन कौन था पता नहीं कि प्रॉब्लम पकड़ ही नहीं पाया। मैनी टेक्नीशियंस फेस दिस प्रॉब्लम, बहुत सारे टेक्नीशियन फेस करते हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे एयर डूम को क्लीन करना है। सबसे पहले मशीन को सुला दीजिए। जैसे कि एक पाइप देख पा रहे हैं कनेक्टेड है ड्रम से ड्रेन मोटर को, उसमें एक वी जैसा एक पाइप और एक गया है, उस वो जुबदर भी जाता है। वो वाटर प्रेशर का एयर जो रहता है वो प्रेशर सेंसर को इंडिकेट करता है। देखिए कैसे निकालना, मैं आपको पूरा डिटेल में दिखा रहा हूँ। क्लीन से हाथ में निकाल लीजिए और उसके बाद एक स्क्रू रहेगा, स्क्रू आराम से निकालना पड़ेगा उसको। जैसे ही आप उसका स्क्रू निकाल लेंगे वो हाथ में आ जाएगा। ऊपर से प्रेशर सेंसर का पाइप कनेक्टेड उसी को रहता है, जैसे पानी का लेवल सभी वही सेंस करने का प्रेशर सेंसर को सिग्नल देता है। जैसे आप देख पा रहे हैं मैंने हाथ में निकाल लिया है उसको। जैसे ही हाथ में निकाला गाइस आप देख के शॉक हो जाएंगे, थोड़ा क्लीन दिखा मगर जैसे ही मैंने उसको क्लीन करने की कोशिश किया तो आप देखिए गाइस क्या निकल रहा है, एकदम मसाला, मैगी मसाला निकल रहा है गाइस। इसको कुछ गंदगी नहीं बोल सकते, ये आके नॉर्मली क्या है स्केलिंग का या फिर वाटर लेवल का जो बराबर क्लीनिंग नहीं कर पाते। LG में स्पेशली बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसे फेस होते हैं जो टेक्नीशियंस जाके बिना मतलब के बहुत से पार्ट्स रिप्लेस करके कस्टमर के ऊपर प्रेशर डालते हैं गाइस। ये बहुत ही ईजी है गाइस। अगर अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना। जैसे कि मैंने 30 मिनट्स डाल के ऑन किया, जैसे ही ऑन करने से मशीन एकदम परफेक्ट चल रहा था। मैंने पुराना कस्टमर का पार्ट्स ही लगा दिया, ड्रेन मोटर और प्रेशर सेंसर और एक पार्ट जो भी था जो पूरा अच्छा था गाइस, उसको डायग्नाइज करने नहीं आया तो पूरा पैसा कस्टमर का बच गया। जैसे कि देखिए गाइस आप देख पा रहे हैं मशीन अच्छी तरह कट ऑफ हो गया, मशीन चल रहा था। अभी हमने ड्रेन को डाला तो ड्रेन भी अच्छा परफेक्ट से चल रहा था और स्पिन हो गया गाइस। और जैसे ही आपको दिखाएंगे ये वीडियो, ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस हम आगे लाएंगे गाइस। हम हायर की फ्रंट लोड भी करेंगे, हम सैमसंग गैस चार्जिंग इन्वर्टर का भी करेंगे गाइस। ये नया चैनल है, आपकी सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, बिना आपकी सपोर्ट की कुछ भी नहीं होता गाइस। तो प्लीज़ गाइस हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जैसे कि देखिए हाईएस्ट RPM में मशीन चल रहा है विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ और प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा और हर एक टेक्नीशियन के पास इसको शेयर कीजिएगा गाइस। बहुत ही शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। इसी तरह आपका सपोर्ट की ज़रूरत है, हमेशा आपकी सपोर्ट कीजिएगा गाइस, हमारे को बहुत ही हेल्प हो जाएगी।